नए लोग यहाँ पारख शब्द देख करके उनको कुछ ऐसा भी लगता होगा कि ये क्या है पारख। इस सिद्धांत को भी पारख सिद्धांत कहते हैं। पारख का शुद्ध शब्द है परख, परख छानबीन शोधना जांचना, ये चैतन्य का गुण है। चीनी और बालू मिली हो उसमें चींटी भी बालू को परख करके छोड़ देती है और चीनी को परख करके ले लेती है। सांच और झूठ, जड़ और चेतन, स्व और पर, ग्राह्य और त्याज, खाद्य और अखाद्य, पेय और अपेय, कर्तव्य और अकर्तव्य, बंध और मोक्ष को अलग अलग समझ लेना और सकारात्मक को लेना नकारात्मक को त्याग देना, ये पारख है। सद्गुरु कबीर ने कहा है, गांठी रतन मरम नहीं जाने, पारख लेना छोरी हो। काई कबीर ये अवसर बीते, रतन न मिले बहोरी हो। गांठी में रतन है, सबके गांठ में रतन है, सबके पास में हीरा है, लेकिन लोग मर्म नहीं जानते हैं। पारख लीना छोरी हो, जिनको पारख हुई वे उसको खोल लेते हैं और उपयोग करते हैं। जिनको पारख नहीं है, गांठ बधी रहती है, वो चीज हीरा बंधा रहता है, लेकिन समझ ही नहीं पाते हैं तो खोलें क्या, उपयोग कैसे करें। आपके घर में रत्नों का एक बड़ा हंडा भरा रखा हो, लेकिन आप जानते ना हो और उसी पर रात दिन चलते हो, जमीन में गड़ा है, रात दिन चलते हैं और पीड़ित हैं, खाने की भी ठीक से नहीं है, पहनने की भी ठीक से नहीं है, जबकि आपके पैर के नीचे रत्नों से भरा एक हंडा रखा है, आप जानते नहीं। वही दशा मनुष्य की है, रात दिन उसी पर चलता फिरता है लेकिन जानता नहीं। चलना फिरना तो दूसरे पर होता है, वो आप ही हैं, खुद आप खुद हैं वह रत्न, अपने को नहीं जानते। सबका अध्ययन किया जाता है, अपना नहीं। सबको पाने की चेष्टा है, अपने को नहीं। लेकिन जब तक हमारा मन बाहर लगा रहेगा तब तक वो चीज़ नहीं मिलेगी। गांठी रतन मर्म नहीं जाने, पारख लीना छोरी हो। सबके गांठ में वो रत्न है लेकिन लोग भेद नहीं जानते। जिनको पारख हुई वे उसको खोल लिए और उपयोग किए। कहीं कबीर ये अवसर बीते, रतन न मिले बहोरी हो। साहब कहते ये अवसर बीत जाने पर फिर रतन मिलेगा नहीं, ये मानव शरीर इसके लिए है। अन्य योनियों में तो केवल पेट और भोग है, खा लें, प्रजनन कर लें बस, और वहाँ ज्ञान विज्ञान नहीं है। मानव जीवन पाए हो
और इसमें रह करके आज जो शुभ अवसर है इसका उपयोग कर लो। मानुष तन सदगुरु मिलन मोक्षो इच्छा होए, दुर्लभ तीनों परम है पाए सुयोग्य न खोए। मनुष्य शरीर मिला है लेकिन अंग भंग होते, अंधे होते, बहरे होते और भी विकृतियां होती तो सुविधा न होती। सब ठीक है, ऐसे अवसर को खो देना बहुत बड़ी गलती है। जाते सकलो परखिया सो पारख निज रूप, तहां होए रो स्थिर तो न जाई ब्रह्मकूप। ये सदगुरु पूर्ण साहिब कहते हैं, जाते सकलो परखिया, जिससे तू सब कुछ को परखता है, सो पारख निज रूप, वही पारख तेरा निज रूप है। पारख परखना समझना ज्ञान, वो ज्ञान ही तेरा रूप है। तहां होए रो स्थिर तू, उसी ज्ञान में तो स्थिर हो जा। नहीं झाई ब्रह्म को, झाई और ब्रह्म के कुएं में न जा। झाई कहते परछाई को। तो जो मन की कल्पना है वो परछाई है। मन की अनेक कल्पनाएं हैं, अवधारणाएं हैं। स्वामी शंकर ने भी कहा है कि देवताओं की प्रार्थना करने से, यज्ञ करने से, कर्मकांड संपादन करने से, शास्त्रों का अध्ययन और शास्त्रों का व्याख्यान करने से मोक्ष नहीं मिलता है। इसलिए तो आत्मा के एकत्व का बोध होना चाहिए, अपने आत्मा से अपना एकत्व करना चाहिए, अपनी तरफ लौटना चाहिए। उपनिषद का यही सुझाव है, यही निर्देश है। वेद वचनों में जहाँ अध्यात्म का शुद्ध रूप दिया गया है इसी की तरफ निर्देश है। जैन बौद्ध विचारकों का यही निर्देश है, सूफी संतों का यही निर्देश है। कुछ उपासक सगुण उपासना में बाहर जोर देते हैं लेकिन वे भी भूले भटके ऐसा कहते हैं, उनके मुख से भी ऐसी बात निकलती है जो आत्मा की तरफ निर्देश रहता है। सबके उदाहरण छोड़ दीजिए, आप स्वयं आत्म विश्लेषण कीजिए, आपको अपने जीवन में पाना क्या है, ज्ञातव्य क्या है, कर्तव्य क्या है, प्राप्तव्य क्या है। ये तीन बातें हैं, ज्ञातव्य, कर्तव्य, प्राप्तव्य। ज्ञातव्य जानने योग्य, कर्तव्य करने योग्य, प्राप्तव्य पाने योग्य। जीवन निर्वाह के लिए भी ज्ञातव्य है। अगर व्यापार लाइन में आप जाते हैं तो वहाँ का कील काटा आपको जानना होगा, और उसमें भी व्यापार की लाइन में जिस लाइन में काम करना चाहे उस लाइन में। व्यापार की बड़ी शाखाएं हैं, कला की बड़ी शाखाएं, बहुत शाखाएं हैं, शिल्प के बड़े भेद प्रभेद और उनकी बड़ी शाखाएं हैं, राजनीति, तो खेती, जीवन के धंधा के लिए भी बहुत सी शाखाएं हैं। जहाँ रह करके अपने जीवन गुजर के लिए आप करना चाहें उसके विषय में जो जानने योग्य है जानना होगा,
और जो करने योग्य है करना होगा, और वहाँ प्राप्तव्य है धन दौलत जिससे जीवन गुजर हो। एक धन दौलत है विशेष राग ठाट के लिए और एक है जीवन गुजर के लिए। जीवन गुजर हो जाए बहुत है, इसमें भी ज्ञातव्य कर्तव्य प्राप्तव्य हैं। ज्ञातव्य है धंधे को जानना, कर्तव्य है उसे करना, प्राप्तव्य है धन लाभ करना और जीवन गुजर करना, साथियों की सेवा करना, दूसरे की भी सेवा करना। लेकिन जीवन का जो उच्चतम उत्कर्ष है जिससे दुखों का अंत होता है, खाने पीने से दुखों का अंत नहीं होता, खाने पीने से शरीर का गुजर होता है, भूख का दुख दूर होता है, प्यास का दुख दूर होता है, लेकिन दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति नहीं होती। हमारा खाना पीना भी उद्देश्य नहीं है, साधन है। क्यों करते हैं निर्वाह धंधा, क्यों करते हैं? जीवन गुजर करने के लिए। जीवन गुजर क्यों करते हैं इसका उत्तर नहीं। कमाते हैं खाने के लिए, खाते हैं जीने के लिए, जीते किस लिए हैं इसका पता नहीं। विवेकहीन जीवन जीते हैं दुख भोगने के लिए। सब जीते हैं, सब दुख भोगते हैं, कलह राग द्वेष चिंता फिक्र उद्वेग, इसी में जीवन जाता है। धंधा करना, जीवन गुजर करना, शरीर को पालना पोषना, ये जीवन का उद्देश्य नहीं है, ये साधन है। जीवन का उद्देश्य है दुखों की अत्यंत निवृत्ति, परम शांति की प्राप्ति, दुखी न होना सबको प्रिय। दुख जीव का शत्रु है, कोई जीव दुख नहीं चाहता है। दुखों का स्पर्श बिल्कुल जिसमें न हो ऐसा सुख, अनंत सुख, यही हमारा प्राप्तव्य है। और इसके लिए ज्ञातव्य है स्व और पर का भेद। मैं बधा हूँ, किसमें बधा हूँ? दुख क्यों है? क्योंकि बधा हूँ। परतंत्रता दुख है। जब मेरे मन में खलबली होती है किसी चीज को पाने के लिए, भोगने के लिए, सम्मान के लिए, प्रतिष्ठा के लिए, तो ये मेरी परतंत्रता है। किसी ने मुझे कुछ कह दिया और मैं बौखला गया, ये मेरी परतंत्रता है। किसी ने मेरा सम्मान कर दिया, मैं पुलकित हो गया, ये मेरी परतंत्रता है। काम का वेग, क्रोध का वेग, लोभ का वेग, मोह का वेग मन में आ रहा है और उसमें मैं उलझ रहा हूँ, ये मेरी परतंत्रता है। साथी बराती के व्यवहार को देख करके क्षुब्ध हूँ, ये मेरी परतंत्रता है। इन परतंत्रताओं से छूटने के लिए न तो धन सहायक है, न विद्या सहायक है, न जन समाज सहायक है। इसमें सद्गुरु का आत्मज्ञान का उपदेश और उसका जीवन में प्रयोग सहायक है। जब हम तथ्य को समझेंगे
और अपने जीवन को उसी ढंग से जिएंगे तब वो दशा आएगी। दुखों की अत्यंत निवृत्ति। हर इंसान को शौक होना चाहिए कि इस जीवन में हम अनंत सुख की प्राप्ति करें। ये जीवन केवल सुख में बीते, इसमें दुख न रहे। चाहते तो सब यही है, समझ नहीं पाते हैं, भटकते हैं। राग ठाट बढ़ाओगे तो सुखी नहीं रहोगे। प्राप्ति से अधिक खर्च करना चाहोगे, सुखी नहीं रहोगे। सबकी प्राप्ति बराबर नहीं होती है। परिश्रम और प्रारब्ध का अंतर है। काम सब करते हैं लेकिन सबकी उपलब्धियां बराबर नहीं होती किसी दिशा में, चाहे खेती हो, चाहे व्यवसाय हो, चाहे कला हो, चाहे कुछ हो। दूसरे की तुलना करके जलने से कोई सुखी नहीं होगा। लौकिक पदार्थों में समानता असंभव है। बुद्धि का अंतर, शरीर का अंतर, समझ का अंतर, क्रिया शक्ति का अंतर, विवेचन शक्ति का अंतर, निर्णय लेने की क्षमता का अंतर, हर बात में तो अंतर है। अदृश्य प्रारब्ध जिसे हम कहते हैं उसमें भी अंतर है। इसलिए बाहर की उपलब्धियां सबको बराबर नहीं हो सकती। और इसकी तुलना में जो पड़ेगा कभी सुखी नहीं होगा। हम परिश्रमी हो जहाँ हो तहाँ, आलसी ना हो, और जितना मिले उतना बहुत समझें, और उसमें कम से कम गुजर करने की चेष्टा करें, कम से कम में गुजर करने की चेष्टा, सादा स्वल्प थोड़े में गुजर करने की इच्छा, फिर परेशानी नहीं होगी। जो साधक साधना करना चाहे और फिर प्रभुता चाहे, मलकई चाहे, हमारी बात सब माने, जो मैं कहूँ उसी के अनुसार सब उठे बैठे और सब कुछ राग ठाट से रहना चाहे, वो शांति कैसे पाएगा? ऐच्छिक गरीबी स्वीकारना होगा। ऐच्छिक गरीबी, सूफी संतों ने भी इसको बहुत महत्व दिया है। अपने तरफ से बहुत चीजें उपलब्ध हों तो भी उसमें कम से कम में गुजर करने की चेष्टा, बाकी दूसरे के लिए छोड़ देना। सेवा की जिम्मेदारी हो सेवा करें, अपने को मालिक न माने, स्वामित्व की भावना न रख, प्रभुता की भावना न रख। जहाँ रहे अपने आप को समेट करके रहे, तब मुक्ति द्वार में प्रवेश हो सकता है। मुक्ति द्वार बहुत पतला, भक्ति द्वारा सांकरा, राई दसवे भाए, मन तो मैगल होए रहा, कैसे आवे जाए। भक्ति दरवाजा बहुत सकरा है, राई दाने के दसवें हिस्से के बराबर है, और हमारा मन मैगल उन्मत्त हाथी बना है तो कैसे उसमें आवे जावे। जब तक अपने अहंकार को पूर्ण रूप से चूर्ण नहीं किया जाएगा शांति नहीं मिलेगी। मिथ्या अहंकार, जो कुछ हमारे पास है क्षणिक है, सब मिट जाने वाला है। सारे अहंकार को समाप्त कर देने वाला उस पद को पाता है।
जानने योग्य स्व और पर का भेद है, मैं हूँ, मेरी सत्ता है, मैं जानता हूँ। जो स्मृतियों का घात प्रघात रात दिन होता है, किस पर होता है? ख्याल आता है, ख्याल में खटक आती है, ये अनुकूल हुआ, ये प्रतिकूल हुआ। इस प्रकार जो स्मृतियों का, स्मरणों का, यादगिरियों का घात प्रघात होता है, कहाँ होता है? स्व में होता है, मेरे अपने में होता है। वह जो मेरा अपना स्वरूप है, शुद्ध चैतन्य, वही जान जान करके चारों तरफ क्लेशित है, क्योंकि केवल जानता नहीं है, मानता है। जहाँ बोल तहाँ अक्षर आया, जहाँ अक्षर तहाँ मन दृण आया। बोल बोले कोई जाई, जिन्हें लखा सु बिरला होई। साहब कहते हैं जहाँ बोले वहाँ अक्षर आएगा, और जहाँ अक्षर आया वहाँ वाक्य बना और कुछ अर्थ निकला, और मन ने कोई मान्यता बनाई और हर शोक शुरू हुआ। बोल अबोल एक हो जाए, बोल में अबोल में एक समान हो जाए, जिन लखा सुबिरला हो। इस स्थित को जो लखा और पाया और ठहरा, वो धन्य है। शब्दों के झोंके में हम परेशान हैं। बच्चे ने कुछ कट कह दिया, शिष्य ने कुछ कट कह दिया, शुद्ध हो गए। शिष्य होकर के कैसे कह दे, बच्चा होकर कैसे कह दे? सब जीव स्वतंत्र हैं और सब जीव अपने स्वभाव के अधीन हैं। कुछ निकल गया, चोट नहीं लगना चाहिए। हवा का झोंका है, शब्द और क्या है? हम जानते केवल नहीं हैं, मानने लगते हैं। हानि लाभ हर शोक, इसलिए पीड़ित रहते हैं। जानो मानो न, मान्यताओं का बंधन काटो, सरल बन जाओ, तब मुक्त द्वार में प्रवेश होगा। जाते सकलों पर रखिया सो पारख निज रूप, जिससे तूने सबको परखा वो पारख तेरा स्वरूप है। इस पर मुझे याद आती है एक संस्कृत के विद्वान ने, गोरखपुर के पंडित ने, अवध यात्रा में मिले थे वे वर्षा में। वे पारख सिद्धांत को जानते थे और बहुत मगन रहते थे। मस्त होकर के उन्होंने कहा, महाराज चाहते सकलो परखिया सो पारख निज रूप, तहाँ हो रो स्थिर तो नहीं जाए भ्रम को। पूर्ण साहब ने तो पूरा कह दिया, जिससे तू सबको परखता है वही पारख है। किससे परखता है? अपनी चेतना से, अपने ज्ञान से। तुम स्वयं पारख हो, परख स्वरूप हो, ज्ञान स्वरूप हो, सबको जानते हो और जान जान करके उसमें हान लाभ मानते हो, बस पीड़ित रहते हो। जानो हान लाभ न मानो, अपने को अलग रखो, साफ पाक दृष्टा मात्र। तहाँ हो रो स्थिर तुम, अपने स्वरूप में स्थिर हो जाओ, आत्मा में। नहीं झाई भ्रम को, झाई में न जाओ, भ्रम के कुएं में न जाओ। झाई परछाई कल्पना अवधारणा, ईश्वर की अवधारणा, चार हाथ वाला, आठ हाथ वाला, मुरलीधारी, धनुषधारी, कंबलधारी, शंख चक्र गदा पद्मधारी, सर्वत्र व्याप्त, किसी लोक में रहने वाला, ये सब झाई है, कल्पना है। सारी कल्पनाओं का वहाँ अंत होता है।
कल्पना मात्र झाई है। ये बात वेदांत भी स्वीकार करता है। स्वामी शंकर कहते हैं, यथा यथा प्रत्यगवस्थित मन, यथा यथा प्रत्यगवस्थित मन तथा तथा मुंचति बाह्य वासना, निशेष मोक्ष सति वासनानां आत्मानुभूति प्रतिबंध शून्य। यथा यथा जैसे जैसे प्रत्यगवस्थित मन, भीतर में मन स्थित होगा, प्रत्यगवस्थितम पदच्छेद में होगा प्रत्यक अवस्थितम, प्रत्यक भीतर अवस्थितम ठहरना मन, मन मन जितना जितना भीतर में ठहरेगा तथा तथा मुंचति बाह्य वासना, वैसे वैसे बाहरी वासनाएं समाप्त होंगी। मन जितना जितना अंतर में ठहरेगा, बाहर के संस्कार की रस्सियां उतनी कटेंगे। निशेष मोक्ष सति वासनानां, समस्त वासनाओं का जब क्षय हो जाएगा, आत्मानुभूति प्रतिबंध शून्य, तब साधक अपनी आत्मा में अनुभव करेगा कि मैं बंधनों से मुक्त हो गया हूँ। प्रतिबंध शून्य, चित्त खिंच नहीं रहा है, काम वासना का उद्रेक नहीं है, क्रोध का उद्वेग नहीं है, मोह नहीं है कहीं, तृष्णा नहीं है, खाने पीने की भी इच्छा नहीं। शरीर रक्षा के लिए दवाई मानकर उपयोग किया जाता है, मिलने जुलने की भी इच्छा नहीं है, विवेक पूर्वक जो उचित है मिलना जुलना किया जाता है, जीने की भी इच्छा नहीं, प्रारब्ध शरीर की यात्रा जितना है चल रहा है, जहाँ टूट के गिर जाए गिर जाए, ना कुछ लेना है ना देना है, ना मिलने की चाहना, ना छुटने को सोच, धन प्राणी निर्वाह में कहूँ न मन को रोच। ये विशाल देव की साखी है। न तो मिलने की चाहना है, न छुटने की चिंता है, धन प्राणी निर्वाह में कहूँ न मन को रोच। धन और प्राणी और निर्वाह की चीज़ों में कहीं मन को रुचकर मान करके फंसाओ मत, उलझो मत। बाहर की सारी रस्सियों के कटने पर अंतर में प्रवेश पाओगे, यही साधुता है। हम लोग साधु के कपड़े पहने, ये साधुओं के चिन्ह है केवल, कपड़े लक्षण नहीं। लक्षण है क्षमा करना, गम खाना, संतोष करना, धीरज से रहना, आत्म अभिमुख रहना, बहिर्मुखता से दूर रहना, ये लक्षण है साधु के, साधक के। इसलिए साधु ब्रह्मचारी, साधु और ब्रह्मचारी का कपड़ा पहन करके अपने को न मान लें कि हम साधु हो गए, ये तो बाहरी चिन्ह है। कपड़ा पहनना है इसलिए कोई कपड़ा चाहिए, तो साधुओं ने एक सरल कपड़ा निकाला, हमें न मान लें हम साधु हो गए, अभी अंदर में देखें कितनी कमी है, हमारे में अभी कितनी कमी है। अगर मानसिक उद्वेगों से हम प्रभावित हैं तो ही बहुत खामियां, और ये सारे उद्वेग अहंकार कामना के क्षय होने ही से मिटेंगे, और ये खुद को करना पड़ेगा, कोई नहीं कर देगा। इसके लिए भी बड़ा बड़ा प्रपंच है, भगवान चाहे तो सब हो जाए, भगवान की कृपा होगी तो सब हो जाएगा।
गुरु कृपा कर दें तो सब हो जाएगा, ना भगवान कुछ कर पाएंगे और गुरु तो उपदेश करेंगे और क्या करेंगे, खुद करना पड़ेगा। आपने अपने मन में कूड़ा कबाड़ भरा है, गुरु कैसे निकाल देंगे? गुरु बता रहे हैं निकालो। एक एक करके आपने अपने चित्त को विकारों का घर बनाया है, अहंकार ममकार करके। अब आप धीरे धीरे उसको परखें और काटें, तब वो घटेगा, करना पड़ेगा आपको। हर आदमी अपने मन का दृष्टा है, दूसरे मन का दृष्टा दूसरा नहीं हो सकता है। बंधन और मोक्ष मन में होते हैं। मन का विकार बंधन है, मन की निर्विकार अवस्था मोक्ष है। और अपने अपने मन के सब साक्षी हैं, तो दूसरा कैसे मिटाएगा? इस वास्तविकता को समझें। परख पारख ज्ञान आपका स्वरूप है। परख करके मानना, ये कबीर साहब की विधा है। उन्होंने कोई पुस्तक स्वतः प्रमाण नहीं माना है, कोई पुस्तक स्वतः प्रमाण हो नहीं सकती, और कोई व्यक्ति को भी स्वतः प्रमाण नहीं माना है। व्यक्ति की प्रामाणिकता उसके ज्ञान और आचरण में है। श्री पूर्ण साहब ने कहा है, परख साधुगुर, परख कबीर, पारख पद पहचान, पारख के प्रताप से सब भ्रम जाला मान। परख साधुगुर, साधु और गुरु यदि परख में हैं, कसौटी में चलते हैं, और परख कबीर, कबीर परख में थे इसलिए आदरणीय है, पारख पद पहचान इसलिए पारख पद पहचानो। बहुत निष्पक्ष वचन, परख साधुगुरु, परख कबीर, पारख पद पहचान। परख के नाते साधु प्रिय हैं, गुरु प्रिय हैं और कबीर प्रिय हैं, इसलिए परख को समझो। अगर गुरु में परख न हो, वह सार असार न समझें, और साधु में परख न हो और कबीर में परख न हो, तो कबीर भी बेकार, साधु भी बेकार, गुरु भी बेकार। ये पूर्ण साहब का धारदार कथन। परख साधुगुरु, परख कबीर, पारख पद पहचान। साधु पारख के नाते प्रिय हैं, गुरु पारख के नाते प्रिय हैं, कबीर पारख के नाते प्रिय हैं। सारा सार निर्णय करते हैं, असार छोड़ते हैं, सार ग्रहण करते हैं, इसलिए साधु गुरु और कबीर प्रिय हैं। इसलिए ऐ साधक, पारख पद पहचान, अपने पारख स्वरूप ज्ञान स्वरूप को पहचानो। तुम स्वयं पारखी हो, परखो। पारख के प्रताप से सब भ्रम जाला मान, और उस पारख के प्रताप से सब भ्रम जाल को तोड़ दो। परख सबसे ऊपर है, गुरु की परख परख से ही होगी। श्री पूर्ण साहब ने अपनी टीका में, बीजक टीका में बारंबार कहा, जा पारख ते गुरु परखावता है, ता पारख ते शिष्य परखता है। साहब की भाषा तो बहुत पुरानी है, उससे और कम समय की एक टीका विवेक चूड़ामणि की मेरे पास है, अच्छे विद्वान की, उनकी भाषा और पिछड़ी है। पुराने ज़माने में शुद्ध हिंदी कहाँ लोग लिख पाते थे, धीरे धीरे शुद्ध हिंदी बढ़ी है। अभी 50 बरस के पहले पंडित लोग जब कथा कहते थे, अच्छे रहते थे संस्कृत के विद्वान। भगवान आते भये, सरजू मैया में डुबकी लगाई, तो शुद्ध हिंदी नहीं बोलते थे। लेकिन
वस्तु तो सच है, भाषा का महत्व नहीं। पारक के प्रताप से सब ब्रह्मजालामान, ज्ञान पारक है और ज्ञान का लक्षण है निरछीर अलग करना। चना और कंकड़ एक में मिला के रखा है और उसने कहा मैंने कंकड़ को अलग कर दिया, केवल चना है, विचार लिया है और दोनों मिला है तो क्या विचार है? वो ज्ञान ज्ञान कहाँ जिसमें निर्मलता नहीं आई, स्व और पर का विवेक, पर से लौट करके स्व में स्थित, ये पारक पद की प्राप्ति है। स्वस्वरूप की स्थिति पारक पद की प्राप्ति है, अपने आप में ठहर जाना पारक पद की प्राप्ति है। जीव का स्वरूप शुद्ध चैतन्य, उसके विशेषण में ब्रह्म, पारक, गुरु अनेक शब्द होते हैं। श्री पूर्ण साहिब ने बीजक में चार मुख वाणी कही है, जीव मुख, माया मुख, ब्रह्म मुख, गुरुमुख। जीव सिद्धांत है उनका कि जीव ही सच है, लेकिन जीव मुख की वाणी को स्वीकारते नहीं, ये विरोधाभास लग सकता है। पारक सिद्धांत जीववादी है, बुनियादी चीज को पकड़ता है, जीव चेतन वही श्रेष्ठ है, लेकिन जीव मुख वाणी को नहीं मानते हैं। तो जीव का एक अर्थ है शुद्ध चेतन मात्र, बुनियादी चीज, और जीव का दूसरा अर्थ है देहधारी जीव जो अभी बोध नहीं प्राप्त है, इसलिए उसके अबोधी वचन नहीं माने जा सकते हैं। जब वो गुरु हो जाएगा तब उसकी बात मानी जाएगी। इसलिए जीव मुख, माया मुख और ब्रह्म मुख, ये तीनों की वाणियाँ छोड़ करके गुरुमुख वाणी मानी जाती है। तो जीव जब गुरु हो गया तब उसकी बात की प्रामाणिकता है। इसी प्रकार कह सकते हैं कि जीव जब ब्रह्म हो गया तब उसकी बात की प्रामाणिकता है। तो ये भाषा है, इसका अर्थ यही है, जब निरछीर विवेक हो गया और वैसे आचरण हो गया तो ब्रह्म हो गया, गुरु हो गया, महान हो गया। भाषा को लेकर के पारखी कहे नहीं वो पारख तो हो गया, ब्रह्म नहीं हो गया, और वेदांति कहे नहीं ब्रह्म हो गया, पारख नहीं। सांख्यवादी न ब्रह्म कहेंगे न पारख कहेंगे, वो पुरुष कहेंगे। तो भाषा है, भाषा में ना अटको, स्थित देखो। जब भ्रांति कट गई, जड़ाध्यास त्याग कर दिया गया, सारी जड़ मान्यता, जड़ाशक्ति छोड़ दी गई, विषयाशक्ति छोड़ दी गई और अपने आप में पूर्ण विश्राम मिल गया, तब इसके लिए जो शब्द आपको प्रिय लगे कह लो, कोई बात नहीं। खुदबीनी, खुद सिनासी, ब्राह्मी स्थित, पारख स्थित, स्वरूप स्थित, कैवल्य दशा, निर्वाण दशा, वैष्णवता, भी कोई हर्ज नहीं है। विष्णु शब्द बहुत प्यारा है, समय से इस पर विचार करना चाहूँगा, अभी तो समय नहीं है, लेकिन परमार्थ पथ में चलने वाले शब्दों से परहेज करना और एक को पकड़ लेना और दूसरे को निंदित करना, ये ठीक नहीं। वस्तु विवेक सही होना चाहिए और स्थित सही होनी चाहिए। फिर उस स्थित का नाम कौन क्या रखता है उसका विचार है। स्थित सही हो, माल सही हो, परख है,
स्व और पर का विवेक। अध्ययन के दो ही विषय हैं, स्व और पर। स्वनाम खुद, पर नाम दूसरा। जो कुछ आप देखते हैं, सुनते हैं, छूते हैं, सूंघते हैं, स्वाद लेते हैं, सोचते हैं, वो पर है। पांच ज्ञानेन्द्रिय और छठा मन। बौद्ध लोग कहते हैं षडायतन, छह आयतन। बौद्धों के अलावा लोग पांच ज्ञानेन्द्रिय छठा मन कहते हैं। अब ये मन को लेकर के षडायतन, छह आयतन कहते हैं, वो भी शैली का अंतर, बात वही है। पांच ज्ञानेन्द्रिय और मन द्वारा प्रतीतमान सारा दृश्य पर है, और पांच इंद्रिय और मन द्वारा जो जानता है सबको, उत्साह है। विषय और विषयी, विषय पांच हैं, विषयी चेतन है जो विषय को ग्रहण करता है। यहाँ विषयी का अर्थ लंपट नहीं है, यहाँ विषयी का अर्थ है जो विषय को जाने, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, विषयी विषय, दृष्टा दृश्य, ज्ञाता ज्ञेय। ज्ञाता चेतन है, ज्ञेय जड़ है। ज्ञाता विषयी है और जड़ विषय है। विषय को जो ग्रहण करे वो विषयी, चेतन विषय को ग्रहण करता है, इसलिए वो विषय से अलग है। छोड़ दे उसको, बस छूट जाए। स्व और पर का ज्ञान, इसमें तीसरे की कोई गुंजाइश नहीं। कोई देवता, कोई ईश्वर, कोई अलग से परमात्मा, जहाँ ईश्वर परमात्मा और देवता को खड़ा किए, वो आपके मन की कल्पना होगी। और कल्पना जब मिट जाएगी तो कौन देवता रहेगा? स्व और पर के बीच में तीसरा कौन रहेगा? जितने ईश्वरों और देवताओं को लोग गढ़ते हैं, वो मन ही से गढ़ते हैं। और जब मन विलीन हो जाता है तो कौन देवता रहता है? आप ध्यान करते हैं, चतुर्भुज का ध्यान करें, साकेत लोकवासी, गोलोकवासी का ध्यान करें, सर्वत्र व्याप्त है ऐसी कल्पना करके ध्यान करें। तो ये आरंभिक ध्यान में तो ठीक है, कोई हर्ज नहीं, लेकिन अंतिम ध्यान तो है वृत्ति का लय। जब वृत्तियाँ लीन हो गई तो सर्वव्यापक की कल्पना खत्म, किसी लोकवासी की कल्पना खत्म, चतुर्भुज की कल्पना खत्म। कबीर का ध्यान करते थे कि विष्णु का, कि बुद्ध का, सब खत्म, सब मन के खिलौने। मन जहाँ लीन हुआ वहाँ कुछ नहीं रह जाता है। दृश्य से पार दृष्टा अपने आप रह गया, दृश्य मात्र। योग दर्शन तब कहता है दृश्य मात्र, तब दृश्य मात्र रहता, दृश्य नहीं, दृश्य चेतन, चेतन मात्र रहता है। जब तक देखता है तब तक वो दृष्टा है, जब देखना बंद हुआ तो दृश्य मात्र, शुद्ध चेतन मात्र रहा। साक्षी तब तक है जब तक मन सामने है, और मन लीन हो गया तब चेतन साक्षी भी नहीं है, शुद्ध चेतन मात्र है। ये पारकपद की प्राप्त, स्वरूप स्थित की प्राप्ति है। अध्ययन के दो ही विषय हैं, स्व और पर। अपने को जानो, पर को जानो। अपने को पर में डाल करके उलझा रखे हो, इस पर गंभीरता से सोचो। अपने आप को जो देखते सुनते हो उसी में डाल देते हो, उसी के हर सुख में बह जाते हो। आपका मूल्य है सबसे अलग अपने को बनाए रखना, और जो देखे जो सुने जो पाए उसी में तादात्म, उसी में चिपक गए, बस उसी के हर सुख में डूब रहे हैं।
अब वो बहुत क्षणिक है। बड़े बड़े राजे महाराजे, उनके ऐश्वर्य, उनकी प्रभुता उड़ करके पता नहीं सब कहाँ गए। हम लोगों के सामने बड़े बड़े ऐश्वर्यवान आए, अंग्रेज गवर्नमेंट जिसकी तूती पूरी दुनिया में बोलती थी। मेरे जन्म के बाद तो काफ़ी वो चीड़ हो रही थी, उसके 25-30 वर्ष पहले वो काफ़ी समृद्ध थी। ये 20वीं सदी लगते लगते मानो उस पर कालग्रह लग गया है। उसके राज्य में सूरज कभी डूबता नहीं था, इंग्लैंड के राज्य में, फिरंगी के राज्य में, लेकिन आज सिमट करके वही इंग्लैंड में हो गया है। थोड़ा मोड़ा कहीं कहीं कुछ है बस। फिर हमारे देश के लोगों ने, उनमें जागृति आई, पूरी दुनिया में जागृति आई, सब जगह आज़ाद हुए लोग, हमारे देश में भी आज़ादी आई। गांधी जी जहाँ जाते थे लाखों की भीड़ होती थी, अब वे नहीं रहे। जवाहरलाल जहाँ जाते थे लाखों की भीड़ होती थी, वे नहीं रहे। लाल बहादुर शास्त्री एक नग पुरुष थे, थोड़े दिन में वो चले गए। इंदिरा आई, इंदिरा का प्रभाव बहुत व्यापक हुआ। अमेरिका में जाके गरजती थी, वो कहाँ है? राजीव कहाँ? राव कहाँ? अभी देखो अटल बहुत योग्य पुरुष हैं, लेकिन अपने कमरे में बैठे। कई प्रधानमंत्री दिल्ली में अपने अपने कमरे में बैठे हैं। किनकी प्रभुता रहती है? हम लोगों का जो कुछ माना है, कब तक इसका संबंध है? जब इस पर बराबर विचार किया जाएगा तब अध्यास कटेगा। अरे मत समझो ऐसा विचार करने से तब तो बड़ा ठंडा हो जाएगा, फिर काम धाम क्या करूँगा, ये भ्रम से होता है। मैं तो इस पर खूब विचार करता हूँ, आवाज से नहीं, 60 वर्ष से करीब करीब, 55 वर्ष से तो खूब जोर से विचार करता हूँ और खूब काम करता हूँ। जिस श्रेणी में हूँ, इस बुढ़ापा में भी खूब काम करता हूँ। महाभ्रम लोग पाल रखे हैं कि जब ज्ञानोदय हो जाएगा तो सबसे वैराग्य हो जाएगा, फिर निकम्मा हो जाएगा। ऐसा निकम्मा बनो तो जरा, बन के देखो कितने सकम्मा हो जाओ। तुम बड़े सकम्मा हो, जल रहे हो, क्या फायदा है? चित्त की शीतलता तभी प्राप्त होगी जब सारा कूड़ा कचरा मन का जल जाए। मन के विकारों को पाल करके कोई सुखी नहीं होगा। स्व और पर का भेद समझो। स्व पर में प्रलुब्ध हो करके दुखी है, पर मन है, स्व आत्मा है, चित्त और चेतन, चेतन स्व है, चित्त पर है, चेतन दृष्टा है, चित्त दृश्य है, और चित्त के बाहर जड़ जगत दृश्य है। चित्त शांत हो जाने पर जड़ जगत अपने आप शांत है। चित्त वात शांत करो, चित्त का वायु शांत करो, मन की हलचल, मन का कोलाहल शांत करो। और ये ऐसे नहीं शांत होगा, अहंकार जितना जुड़ा रहेगा या ऐसे चंचल बना रहेगा। कारण से कार्य होता है। कोई तराजू से तौले और एक तरफ सामान और बांट में दोनों तरफ विषमता हो तो कांटा झुकेगा एक तरफ। अब कांटा पकड़ करके आप सीधा करें
सकते कोई तोलने का तरीका है, कांटा छोड़ दें। माल और सामान बराबर रखें, कांटा एकदम सिधाई में हो जाएगा। मन को आप पकड़ करके ठीक करना चाहते हैं, कैसे ठीक होगा? इंद्रिय और विषय, इनका संतुलन होना चाहिए। असंतुलित बना करके मन संतुलित नहीं होगा। जो रात दिन का व्यवहार है, जो अपने को हरदम दुनियादारी में डाले रहेगा, शांति कैसे पाएगा? उसे समय निकालना चाहिए, अलग बैठना चाहिए, कुछ समय के लिए बिल्कुल अपने को अलग कर लो। बहुत व्यस्त लोग भी 24 घंटे में कम से कम एक घंटा अलग हो जाए, और अगर 2-3 घंटा हो पाए तो और अच्छा। अलग हो करके चिंतन मनन स्वाध्याय ध्यान करें, तब ये अंदर की रस्सियाँ कटेंगी, और फिर देखें कि कितना काम हुआ है। जो मैं साधना कर रहा हूँ उसमें कितना काम हुआ है, कितना उद्वेग अभी बाकी है, कितना अहंकार बाकी है। हमारी बेवकूफ़ी ही तो चारों तरफ हमें दिखाई देती है। जो हम उलझते हैं जगह जगह, दुखी होते हैं, पीड़ित होते हैं, संतापित होते हैं, उद्वेगित होते हैं, हमारे अपने मनोविकारों का परिणाम है। इसको देखें, जीते जीते परमानंद की प्राप्ति, परम सुख की प्राप्ति, परम शांति की प्राप्ति, जीना मरना बराबर हो जाए, शरीर है चला जाए कोई फर्क नहीं। ये दुनिया की व्यवस्था, दुनिया ऑटोमेटिक यंत्र है। कौन होते हो आप? बहुत अपने को मान रखे हो, आप नहीं रहोगे दुनिया डूब जाएगी। दुनिया पहले से चल रही है, अनादिकाल से अनंत काल तक चलती रहेगी। मक्खी के समान आप क्या मान रहे हो? अपने को संभालो, अपने को संभाल लो, दुनिया संभली हुई है। लेकिन महाभ्रम हम पाले बैठे, हम नहीं रहेंगे दुनिया डगमगा जाएगी। अपने को समझो, सा और पर का विवेक यही पारक है। स्व खुद आत्मा है, पर जड़ दृश्य है। जड़ दृश्य का प्रलोभन छोड़ करके स्व में स्थित पारक पद की स्थित है, स्वरूप स्थित है, और यही ब्राह्मी स्थित है, यही कैवल्य है, यही निर्वाण है, यही मोक्ष है। इसी में ठहरने के लिए ध्यानाभ्यास है और सारी साधनाएं हैं।